मैंने तो कहा था हम लोगों ने महापुरुषों से परामर्श करके लिखा था आपको केवल 3 दिन का उपवास करना है, आपने 11 दिन का संपूर्ण उपोषण किया। हमने 11 दिन एक भुक्त रहने के लिए कहा था, उन्होंने अन्न का ही त्याग कर दिया। महाभारत में कहा गया है अनशन यह सबसे बड़ा तप है, अनशन, और उसको उनके जीवन में साकार होते हुए मैंने केवल देखा नहीं, मैं थोड़ा तार्किक हूं, आपकी परम पूजनीय माता जी से मिलकर के मैंने उसको रिकन्फर्म भी किया था कि आपका यह अभ्यास 40 वर्षों का है। ऐसा तपस्वी कोई राष्ट्रीय नेता प्राप्त होना यह सामान्य बात नहीं है। वे इन दिनों में हमने कहा था कि आपको विदेश प्रवास नहीं करना चाहिए क्योंकि सांसर्गिक दोष भी आते हैं। विदेश प्रवास टाल दिया सांसर्गिक देशों के इस दोषों की संभावना के कारण, लेकिन दिव्य देशों का प्रवास ऐसा किया, नासिक से आरंभ किया, गुरुवायूर गए, श्रीरंगम गए, रामेश्वरम गए, इन सारे स्थानों पर जाकर के वहां के परमाणुओं को लेकर के और पूरी भारत माता के हर कोनों में जाकर के मानो वे निमंत्रण दे रहे थे कि आइए दिव्य आत्माओं अयोध्या पधारिए और हमारे राष्ट्र को महान बनाने के लिए आशीर्वाद दीजिए। हमने केवल कहा था 3 दिनों तक आपको भूमि शयन करना चाहिए, 11 दिनों से आप भूमि शयन कर रहे हैं, इस कड़कड़ाती ठंड में इस प्रकार का शयन करना। मित्रों, ब्रह्मा जी ने सृष्टि को निर्माण किया, उस समय उन्होंने एक शब्द को सुना था, भारत की संस्कृति का सबसे मूल शब्द है तप तप इति। हमारे पूज्य गुरुदेव के गुरुदेव परम गुरु कहा करते थे कांची के परमाचार्य जी महाराज, तपश्चर। मैं जब भी उनसे मिलता था वे कहते थे तपश्चर, आज तप की कमी हो गई है, और उस तप को हमने साकार आप में देखा। मुझे इस परंपरा को देखते हुए केवल एक राजा याद आता है जिसमें यह सब कुछ था, और उस राजा का नाम छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज। मित्रों, लोगों को पता नहीं है शायद, वे स्वयं जब मल्लिकार्जुन के दर्शन के लिए श्री शैलम के ऊपर गए, 3 दिन का उपवास किया, 3 दिन शिव मंदिर में रहे, और महाराज ने कहा कि मुझे राज्य नहीं करना है, मुझे संन्यास लेना है, मैं शिव जी की आराधना के लिए जन्मा हूं, मुझे संन्यास लेना है, मुझे वापस मत ले जाइए। इतिहास का वो बड़ा विलक्षण प्रसंग है। उस प्रसंग में उनके सारे ज्येष्ठ मंत्रियों ने उनको समझाया और लौटा करके लाया कि यह भी आपका कार्य भगवत सेवा ही है। आज हम लोगों को उसी प्रकार के एक महापुरुष ऐसे प्राप्त हुए हैं जिसको भगवती जगदम्बा ने स्वयं हिमालय से लौटा करके भेज दिया कि जाओ भारत माता की सेवा करो, तुम्हें भारत माता की सेवा करनी है। मैं अपने को कभी श्रद्धा रखने के बारे में भावुक नहीं पाता हूं, लेकिन कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहां पर आदर के साथ अपना मस्तक अपने आप झुक जाता है। ऐसा एक स्थान हम लोगों को उच्च पदस्थ इस राजर्षि ने जब दिखाया तो मुझे छत्रपति शिवाजी महाराज के गुरु समर्थ रामदास स्वामी महाराज की याद आ गई। उन्होंने शिवाजी का वर्णन किया, निश्चयाचा महामेरु, निश्चयाचा महामेरु, बहुत जनासी आधारु, अखंड स्थिति निर्धारु, श्रीमंत योगी, श्रीमंत।